नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल का दौरा किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में पहली रैली की। इसके लिए कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड पर भव्य तैयारी की गई। पीएम दोपहर 1:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचे अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जब 18 साल का था तब से ही गरीबों की मदद करना चाहता था। आज ये सपना पूरा होने जैसा लग रहा है। अगर किसी का हक कोई छीनेगा तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल ने परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने और उनके काडर ने ये भरोसा तोड़ दिया। इन लोगों ने बंगाल का भरोसा तोड़ दिया। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहाँ की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है, और दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस कर खड़ी हो गई है। ब्रिगेड ग्राउंड पर उमड़े जनसैलाब पर पीएम मोदी ने कहा कि आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। कुछ लोगों को तो लगता होगा कि शायद आज 2 मई आ गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अनामिका सिंह की रिपोर्ट। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के बहनों और भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। राजनीति जीवन में सैकड़ों रैलियों को संबोधन करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन इतने बड़े लंबे कार्यकाल में मैंने कभी इतने बड़े विशाल जनसमूह का हमें आशीर्वाद मिला हो ऐसा दृश्य मुझे आज देखने को मिला। जब मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, मैदान में तो जगह नजर नहीं आ रही है, लेकिन मैं देख रहा था सारे रास्ते इतने भरे पड़े हैं, लोग भागते हुए इधर की तरफ चल रहे हैं। मैं नहीं मानता हूं कि वो पहुंच पाएंगे। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको सादर फिर से एक बार प्रणाम करता हूं। बंगाल की इस धरती ने हमारे संस्कारों को ऊर्जा दी है। बंगाल की इस धरती ने भारत की आजादी के आंदोलन में नए प्राण फूंके। बंगाल की इस धरती ने ज्ञान विज्ञान में भारत का गौरव बढ़ाया है। बंगाल से निकले महान व्यक्तित्वों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया है। बंगाल की इस धरती ने एक विधान एक निशान एक प्रधान के लिए बलिदान देने वाले महान सपूत हमें दिया। ऐसी पावन मिट्टी को मैं अनेक अनेक बार नमन करता हूं। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है।
स्वामी विवेकानंद जी का जन्म स्थान है, दूसरी तरफ नेताजी सुभाष बाबू का निवास स्थान है, एक तरफ महर्षि श्री अरविंदो का जन्म स्थान है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म स्थान है। ये कोलकाता, बंगाल और पूरे भारत की बहुत बड़ी प्रेरणा स्थली है। बीते दशकों में ब्रिगेड ग्राउंड में अनेकों बार ये नारा गूंजा है, ब्रिगेड चलो, सुना है ना, ब्रिगेड चलो। इस ग्राउंड ने अनेक देशभक्तों को देखा है, लेकिन ये ग्राउंड बंगाल के विकास